फैमिली, आज हम आ चुके हैं रामाकृष्णा कलकत्ती चाट वाले भैया के पास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली उनके पास चलते और उनका स्पेशल बना हुआ दाल चिल्ला खाते हैं। तो चलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले आपके क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तो भैया अपना बता दीजिए, आपका नाम क्या है? दिनेश शर्मा है, रामाकृष्णा कलकत्ती चाट है ये। हाँ जी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, इसका दाल चीनी का दाल चीनी है। इसमें चार तरह की चटनी आती है, चार तरह की और दो तरह का दही होता है, जिसमें अलग अलग वो है। हम आपको एक बार लगा अभी एक ये दाल का पेस्ट है, इसमें मसाले वगैरह है उसके। अभी ये तो पेस्ट हो गया, इसमें मेरे पास और फ्राई कर देंगे। अच्छा डो को मतलब बनाते कैसे हैं आपने? ये पेस्ट तैयार होता है एक दिन पहले से, प्रिपरेशन तैयार करनी पड़ती है, तो सेकंड डे पे तैयार मिलता है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं आपने? इसमें 22 आइटम डलते हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह सारे डलते हैं। दो तीन तरह की दाल डलती है और जिसमें मेन तो मूंग दाल होती है। अच्छा। और इसके अंदर मसाले वगैरह जो डलते हैं वो है, तो 22 आइटम होते हैं टोटल इसके अंदर। पेस्ट के अंदर पनीर का भी होता है, पनीर भी होता है। ये लहसुन और मिर्ची की चटनी है जी। और ये पालक पुदीना और हरा धनिया है जी। ये चना छोला राजमा कैर सांगरी मूंग मोगा दाना मेथी वगैरह ये है इसके अंदर। और ये खजूर और डाबर चवनप्राश की चटनी है। खजूर और डाबर चवनप्राश, बड़ा हाइजीनिक मामला जी। और इसके बाद फिर एक हम प्लेन दही देते हैं, ये दही होता है प्लेन वाला जी। इसके बाद फिर एक इसके अंदर हम एक मिक्स बना के देते हैं, सिर्फ तिरंगा कहते हैं। मतलब आप खुद ही बनाते हो इसको? हाँ, ये चारों चटनियाँ डलती है, ये बना के देते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। भैया आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मेरे को बीस एक साल हो गए। 20 साल से आपका? आपका शुभ नाम गुरु? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र, महेंद्र सर। अच्छा, आप मतलब मेन आउटलेट से काम कर रहे हैं या यहीं पे ही खाली? किराया वो काई बोल जमा दीजिए भैया। ये हो गया अपना रेडी भैया। एक किलो, एक किलो। स्पेशली एक छोटा सा चिल्ला बना रहे हैं क्योंकि बड़ा तो अपन टेस्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वेस्ट जाए क्या फायदा, अभी बहुत सारी दुकानें कवर करनी थी। तो सिर्फ भैया मतलब सिर्फ मेरे जैसा यहाँ तक उसके लिए छोटा होता है या फिर अपने अपने छोटे का भी होता है? आपके लिए छोटा बना है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, शुक्रिया भैया। चलो एकदम छोटा सा एकदम स्वीट सा तैयार हो रहा है। आपको ये बताया कि इसका मेरे से आधा भी नहीं खाया। मतलब ये छोले तो अपने अलग ही लेवल के रहते हैं, ये खाते ही मतलब मजा ही आ जाएगा। ये क्या थी अपने चटनी में? ये चटनी में चारों चटनियों का मिक्स है ये। छोले और दोनों में मजा आ गया। बस यही है विचार, जो भी देख रहे हैं भैया के पास आओ, खा के जाओ, खुद जान जाओ कि कैसा टेस्ट है।